हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड एवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री ओन वोक्सवैगन पोलो। तो इस पोलो में खास बात भी है, वो आपको वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या इसमें खास चीज़ हो रखी है। बाकी ये प्री ओन्ड है, फॉर सेल है इस टाइम द्वारका मोटर्स के काउंटर पे। तो द्वारका मोटर्स से मैं अमन भैया को बुलाना चाहूँगा। कैसा भैया? भैया इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे, इसकी डिटेल्स बताओ भैया। 2012 मॉडल है, ठीक है, थोड़ा सा तेज होना, थोड़ा 2012 मॉडल है, सीएनजी पेट्रोल दोनों है, सीएनजी ऑन पेपर पे। तो यही इसी की मैं बात कर रहा था। जो खास बात है इसके अंदर, पोलो आपने मतलब सीएनजी वाली शायद बहुत ही कम देखी होगी, तो इस गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी हुई है। प्लस पोलो है, पोलो कुछ शौकिया लोग ही चलाते हैं। बहुत पावरफुल गाड़ी है ये, और हैचबैक की हैचबैक है। दिल्ली में इस जिस टाइम पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा हो रखा है और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा रहता है, तो एक छोटी गाड़ी प्लस किफ़ायती गाड़ी और पावरफुल गाड़ी, तो सारा एक आपको कॉम्बो एक पैकेज में मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी के सारे फीचर्स दिखाते हैं हम आपको, और क्या कुछ इसकी डिमांड वगैरह होता है हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं और भैया से पहले पूरी डिटेल लेते हैं। 2012 वोक्सवैगन, 2012 मॉडल है भैया। पेट्रोल सीएनजी ऑन पेपर है, ठीक है, सेकंड ऑनर है, हाईलैंड टॉप वेरिएंट है, ठीक है, 66,000 चली है। 66,000 और कोई दरवाजा वगैरह और कुछ पेंट नहीं है? अच्छा, बाकी सब ओरिजिनल है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। तो मैं आपको सीएनजी की बात करते हैं, तो आप देखते हैं जरा पोलो में अगर हम सीएनजी लगाते तो कितना बूट स्पेस बचता है। आप देख लो, तो ना के बराबर ही इसमें बूट स्पेस बचेगा। आप देख लो, ये इसकी टूल किट वगैरह सारी मिल जाती है। स्टेपनी बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू है, बिल्कुल न्यू लग रही है। सीएनजी इसमें लगी है, ऑन पेपर है ना सीएनजी, इंश्योरेंस में भी इंक्लूडेड होगा सब कुछ, सब ऑन पेपर है, पेपर वर्क में कोई दिक्कत मतलब पेपर वर्क तो बिल्कुल लीगल है ये पोलो, ठीक है, ये पेपर पर चढ़ी हुई है। बाकी एज सच आपको इसमें बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा नहीं। पार्सल ट्रे नीचे रखी हुई है, तो यहाँ पे डफल बैग्स अगर आप रखना चाहो तो 2 डफल बैग्स रहेंगे और एक छोटा बैग हैंड बैग यहाँ पे आप रख सकते हो। बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेपनी निकाल के चलाना चाहते हो तो फिर इसमें आपको स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी आप नंबर एक बार नंबर में चाहूँगा जूम करें, नंबर भी बहुत अच्छा मिल रहा है इसके साथ, 1070 मतलब VIP नंबर हो गया ये, 1070 DL नंबर है। तो फिर गाड़ी अच्छा 12 मॉडल है, तो इस टाइम 2022 चल रहा है, तो पूरे 5 साल इस गाड़ी को बचे हुए हैं इस टाइम पे। और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स में बिल्कुल भी फीचर्स में कोई कमी नहीं है। आप देख लो, डी फोकस यहाँ पे दिए हुए हैं, रेयर वाइपर यहाँ पे है ही, वोक्सवैगन का तो नाम ही काफ़ी है अगर मैं उसकी इंजन की बात करूँ तो। एक बार मैं चाहूँगा कि हम गाड़ी के अंदर आए और गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको। तो गाड़ी के अंदर आपको 5 गियर मिल जाते हैं, उसके अलावा प्लस एक रिवर्स गियर भी मिल जाता है। ऑटोमेटिक इसी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और रियर वाइपर आपको मैंने दिखाई दिया, जो इसके अंदर स्टेयरिंग है वो आपको ऊपर नीचे आप हाइट एडजस्टिंग कर सकते हो, टेलीस्कोपिक नहीं है, अंदर बाहर आप नहीं निकाल सकते, बट हाइट जरूर एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसके हॉर्न बताऊं, हॉर्न दिखाऊं तो अब ये एक बार चाबी लगाते हैं, चाबी मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ऐसी कोई चाबी मिलती है भैया? चाबी दोनों अवेलेबल है गाड़ी की, चाबी दोनों अवेलेबल है, दोनों चाबियां आपको इसके साथ मिल जाएंगी। मैं एक बार इस गाड़ी को पावर ऑन करता हूँ, फिर उसके बाद इसका तो ऐसा कुछ इसकी हॉर्न की आवाज आप देख सकते हो, कंपनी से जो आती है वो ही है, ठीक है। और अंदर स्टीरियो वगैरह सब कुछ ही कंपनी फिटेड ही है, इसमें कुछ भी एज सच मॉडिफिकेशन नहीं कराई गई है। आपको यहाँ पे को पैसेंजर साइड एयरबैग मिल जाता है, ड्राइवर साइड भी एयरबैग मिल जाता है, और आप ये आपके सीएनजी के जो है स्विचिंग का आपको इसके अंदर बटन मिल जाएगा। सिक्वेंशियल किट इसके अंदर लगी हुई है, तो अपने आप ही स्विच हो जाएगी पेट्रोल से सीएनजी पे जब भी आप स्टार्ट करोगे, थोड़े टाइम के लिए रहती है। बाकी आप देख सकते हो सीट्स वगैरह जो है इसकी बाहर से लगी हुई है, पूरी लेदराइट सीट्स हैं इसके अंदर, बहुत ही कंफर्टेबल, पूरी बकेट फिटिंग करा रखी है, कंपनी से नहीं आती, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा कस्टमर ने किया हुआ। बाकी आपको यहाँ पे 2 पावर विंडोज मिल जाती हैं और एक ही वाला आपको ऑटो मिल जाता है। मैं इसको ये चाबी निकलने के बाद ये जो ऑन रह जाती है ना, तो पता नहीं लगता अभी बंद हुई, थोड़े टाइम तक इसमें इसकी बैटरी में पावर ऑन रहता ही है। तो मैं एक बार चाबी ऑन कर देता हूँ, दिखाता हूँ, तो ये देख लो थोड़ी सी आवाज़ है इसके अंदर, देखो ऑटो है, ऊपर नहीं आ रही, ऑटो अप नहीं है, ऑटो डाउन डाउन है बस इसके अंदर, ठीक है। बाकी चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप जो है सारे बटन बंद और ओपन कर सकते हो, और अगर आपको साइड मिरर्स अपने एडजस्ट करने हैं तो उसके लिए ये बटन आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का बटन मिल जाता है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मल गाड़ियों से, आपको पता ही है वोक्सवैगन ग्रुप ऑडी वगैरह की सिस्टर कंपनी आप लगा लो तो उनके साथ आती है, तो जो उसके कंट्रोल्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। वाइपर कंट्रोल्स आपको राइट साइड दिए हों, जो कि
आमनम तौर पर नॉर्मली लेफ्ट साइड पे होता है, और आपको यहाँ पे जो हेडलाइट के कंट्रोल है वो आपको लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं, तो उल्टा सिस्टम रहता है इसका। बाकी स्टेयरिंग पे सच कुछ भी कंट्रोल नहीं मिल रहा, राउंड स्टेयरिंग आपको उसके अंदर मिल जाता है। और मैं स्पेस की बात करूँ तो आप देख सकते हो मैंने अपने हिसाब से पूरी अभी सीट पीछे कर रखी है, मैं आगे कर देता हूँ। हाँ, अभी बिल्कुल अपने हिसाब से कर ली मैंने, तो आप लेग स्पेस वगैरह देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा, मेरा पैर मर रहा है। ये बिल्कुल सही है, अब इसके अंदर में अपने को स्पेस मिल जाती है। बाकी अगर मैं पीछे बात करूँ तो रियर एसी आपको नहीं मिल जाता, यहाँ पे आपको 30-40 के रेशियो में जो है स्प्लिट कर सकते हो आप अपनी सीट को नीचे अगर गिराना चाहो तो, अगर कोई सामान वगैरह लाना तो आप कर सकते हो। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपको कंपनी से हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है, मतलब टिकट होल्डर्स वगैरह। और अगर मैं ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब मैं एक बार आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना कुछ स्पेस मिलता है। हेडरूम की बात करूँ तो आप देख सकते हो कितना हेडरूम बच रहा है। एक बार मैं पीछे भी आकर दिखा देता हूँ कि क्या कुछ हेडरूम इसके अंदर बचता है। मैं एक बार पीछे बैठता हूँ, अब आप पीछे का हेडरूम चेक करो तो पीछे भी हेडरूम मिल रहा है नॉर्मल बिल्कुल। अब मैं इसको आपको, मैंने अपने हिसाब से पूरी सीट एडजस्ट कर रखी है, तो एक बार मैं ज़रा नीज में कितने स्पेस, लेग स्पेस कितना बचता है वो दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे स्पेस बची हुई है, और सीट जो है बिल्कुल ठीक ठीक है। और यहाँ पर मतलब दो लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि बम्प यहाँ पे बहुत ही तगड़ा है, बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे तीन लोग बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी महंगी महंगी ऐसी गाड़ियाँ निकल रही हैं, आप देखो रील वील बन रही थी लोगों की, तो बढ़िया। मतलब काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ना कहाँ मैं शूट करता हूँ, तो थोड़ा द्वारका में जो रहते हैं उनको तो अंदाज़ा लग ही जाएगा, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है, काफ़ी लोग यहाँ पे शूट वगैरह करते हैं। बाकी अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ फ्यूल की बात करूँ तो पेट्रोल लेड आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्यूल के लिए, और सीएनजी आप आगे बोनट से भरवा सकते हो। इसमें आपको कंपनी फिटेड नहीं है, क्योंकि तो इसके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। और आप देख सकते हो ड्राइवर साइड पे इसका जो है फ्यूल लेड मिलता है, उल्टा है बाकी गाड़ियों से, मतलब उसके कंट्रोल्स ऑलमोस्ट सारे उल्टे ही हैं। बाकी एक बार बोनट उठा के आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार गाड़ी स्टार्ट करियो तो बोनट उठा के दिखाना चाहूँगा कि कहाँ आपको फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, और गाड़ी स्टार्ट भी करके दिखाना चाहूँगा कि कितना इसमें आपको साउंड वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लायंस प्लेट भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल सारी चीज़ लीगल है, और सारे जो कंपनी के स्टिकर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको फ्यूल डलवाना है तो आप आगे से यहाँ कहीं से सीएनजी डलती है, अभी सीएनजी की स्कीम का नॉलेज नहीं है, यहाँ से सीएनजी, ये अच्छा ये सीएनजी बोल रहे, तो यहाँ से आपको सीएनजी डलवानी पड़ेगी। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दें तो 1.2 लीटर का इसके अंदर आपको इंजन मिलता है, देख लो क्या सब साउंड आ रही है इसके अंदर। नॉर्मली ये जैसे पेट्रोल गाड़ी में रहती है। अच्छा सीएनजी कब लगी थी कुछ पता है, कितने कितने किलोमीटर्स पे लगी थी सीएनजी? अच्छा इस पे लिखा होगा ना, तो ये तो टेस्टिंग का है 2020 की, मतलब ये तो इसने रिन्यू कराई होगी, बट मतलब कब लगी थी ऐसा कुछ नहीं पता, कब लगी है। ठीक है, तो दो ओनर्स के पास ये रह चुकी, तो अब जो जाएगी थर्ड ओनर पे जाएगी, है ना। इंश्योरेंस वगैरह कैसा है, क्या अभी है कि नहीं है? खत्म हो रहा था, इंश्योरेंस खत्म है इसका, तो इंश्योरेंस भी कस्टमर को करवाना ही पड़ेगा, बंद कर दे गाड़ी, इंश्योरेंस भी कस्टमर को कराना पड़ेगा। माइलेज वगैरह कितनी निकालती है सीएनजी में कुछ पता है? वॉक्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे जब तो गाड़ी सीएनजी महंगी हो चुकी है, आपको पता है दिल्ली में, तो माइलेज वैसे कितनी निकल जाती है? भैया मान के चलो आप अगर आप इसको 400 में फुल कराते हो तो 150-200 कर देगी, तो बहुत है, ठीक है। वैसे भी माइलेज इसकी 8-10 ऊपर की है नहीं, तो सीएनजी में वैसे भी काफी पैसे बच ही रहे हैं, तो सीएनजी वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है पोलो के अंदर। बाकी चलने में बहुत अच्छी है, और मैंने आपको दिखाई दिया इंजन वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद अगर मैं एक्सीडेंटल आपको दिखाऊँ तो एक्सीडेंटल ये गाड़ी है नहीं, आप वैसे आके चेक कर सकते हो। देखो रबड़ इसकी पता नहीं कब से नहीं खुली हुई, तो आप देख सकते हो, आप सारी रबड़ उतारने होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप आके यहाँ पे पूरी तसल्ली कर सकते हो अपनी ऑफिस पर। भैया के एक बार ऑफिस का एड्रेस बताओ भैया, कहाँ आना होगा अगर गाड़ी चेक करनी हो, चला कर देखनी हो तो? ये दिल्ली में द्वारका आना पड़ेगा, नियर द्वारका मोड़। ठीक है, बाकी नीचे आपको गूगल मैप्स में लोकेशन मिल जाएगी, और आपको नीचे नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, तो अलॉयज वगैरह भी आपको कंपनी से ही मिल जाते हैं। टायर्स की क्या कंडीशन है भैया, कितने टाइम तक चल जाएंगे टायर्स? अभी भैया अभी चलेंगे कम से कम ये 20,000 के आसपास चलेंगे, तो टायर भी फिर आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। और मैंने स्टेपनी तो आपको दिखाई थी, वो भी बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू है। बाकी अगर ये मॉडिफाई हो जाए तो क्या एक अच्छी बहुत बहुत ही बढ़िया लगती है। तो पोलो की तो अपनी मार्केट वैल्यू भैया, डिमांड है कुछ इस गाड़ी की मार्केट में? तो 3 लाख रुपए में आपको पोलो मिल जाएगी सेकंड ओनर, 5 साल आपके पूरे पूरे बचे हैं। लोन लोन है, फैसिलिटी है, बट दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली एनसीआर, क्योंकि ये 12 मॉडल है, अगर 11 मॉडल होती तो नहीं मिलती, तो फिर 12 मॉडल है, इसलिए आपको इसमें लोन भी मिल जाएगा। तो आप आकर भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो,
बाकी गाड़ी का जितना मैं दिखा सकता था मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स बता दूं, जितना मैं दिखा सकता था मैंने आपको दिखा दी। चला कर नहीं देखेंगे इस गाड़ी को, आप आकर खुद चला के देखना, जब अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो इस गाड़ी को। और अगर वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, जो सेल वाली हम वीडियो बना रहे हैं सिंगल सिंगल कार की, या फिर आपको पूरे काउंटर की देखनी है एक वीडियो में तो वो भी बताना, हम आपके लिए वही बना देंगे भैया के पूरे काउंटर की वीडियो हम बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना बनाई जाना, और मेरे वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे को स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।